tree is very good for her. It is very. क्या बोलते हैं उसे? जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ. It is very good for health. It is very expensive. दिल्ली में मैंने 50 रुपए का एक कीवी लिया. Sorry, 30 रुपए का एक कीवी लिया. ये तो उसमें ये चिकन आई हम पांच सहारा पे पाक कीवी. Sorry. So आप लोग ये लिए सुबह से शाम तक and after 1 week आप अपना कोरोना का टेस्ट करवाइए. Actually we are trying to break the lipid layer of this protein जिसको हम कोरोना बोलते हैं. So that इसलिए हम इसको ज़्यादा लेदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Hello and welcome to another episode of my channel. सो फ्रेंड्स, अभी मैं सप्लाइज लेके आया हूँ कुछ, और जो मैं जुब्बा पहन के जाता हूँ वो मैं यहाँ पे रखता हूँ. उसके बाद इसको धोने के लिए रखते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी अपने प्रिकॉशंस लेते होंगे रिगार्डिंग जो भी सामान लाते हो आप. तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि अगर कोई बिस्किट वगैरह हो जो पैक्ड हो, उसे मैं सीधे जाके धो ही लेता हूँ डेटॉल से, क्योंकि या तो उसे जल्दी यूज़ करना हो तब, अगर यूज़ नहीं करना तो हम इसे 24-25 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं रूम में. तो सो दैट उसके बाद थोड़ा उसको सैनिटाइज करके अगर पैकेट्स वगैरह हैं तो. तो देख लीजिए, आपने ये सारे बिस्किट जो हैं इसमें से जितना भी चॉकलेट था वो ले लिया, और ये हर्शीज सिरप चॉकलेट है, ये भी शायद इनको चाहिए होगा. और ये सारे डार्क फैंटेसी के बिस्किट मैं लाया था, बट ये किसी काम के नहीं है. बट माय सिस्टर इज़ टेलिंग मी दैट इसको भी हम कहीं पे यूज़ करेंगे. तो देखते हैं, इसको ग्राइंडर में डाला, अभी पता नहीं ग्राइंडर का क्या करना है, ग्राइंड यूज़ करना है, ग्राइंडर करना है, बस इसमें बनाना बनाना है कुछ. क्या हुआ, बहुत ही अफसोस हो रहा है, हमारा जो ग्राइंडर है वो चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसे. अभी हम इसे दगेंगे, मतलब कूटेंगे कश्मीरी स्टाइल में. देखो, तो ये हमारा अभी के जो सारे बिस्किट हैं वो सारे हैं, तो इनको हमने पीसेस कर दिया. बट थोड़े इसमें से डार्क फैंटेसी के चॉकलेट्स अभी ऐसे ही हैं, अब देखते हैं उनका क्या करेंगे. इसको बिल्कुल हम पेस्ट की तरह बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके, मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके, जिस तरह हमने बनाया है. एज यू कैन सी, तो पता है कि ये कश्मीर बहुत रिच है ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो हमने इसमें थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, हमारे पास ज़्यादा नहीं है. ये जो कपड़े में लिपटा हुआ है ये हमारा ढक्कन है, जिसको हमने ऊपर से कवर किया हुआ है. हम अब इसको गैस के ऊपर हीट करेंगे, तो हाई फ्लेम पे रखना है ऐसा बोला गया. ये थोड़ी हमने जो क्रीम बचाई थी वो है, जो बाकी मटेरियल बचा था वो भी हमने डाल दिया. तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही समझो, क्योंकि हम भी पहली बार बना रहे हैं. हाँ, पहली बार बना रहे हैं, और वी होप कि अच्छा हो जाए. सो दैट यू कैन अप्लाई नेक्स्ट वीक. ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया,
फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। अभी हम इस ब्राउनी को टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये कैसा है, कैसा सॉफ्ट हुआ है, मतलब टेस्ट कैसा हुआ है, और बाकी सारा तो आपने देख ही लिया कि मतलब प्रेजेंटेशन इसकी कैसी है। तो अभी ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह, इसको दो लेयर्स में बनाया हुआ है। तो बिस्मिल्लाह। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस। आई कैन नॉट इमेजिन कि मेरे घर में इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त शेफ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो हमारा रेसिपी है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी, मतलब कुछ भी आ सकता है, डिफरेंट वीडियोज़ आएंगी, रेसिपी वीडियोज़ भी आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज। मेरे सामने सारे बिस्किट रह गए, तो सारे ख़त्म हो जाएंगे।